नेटवर्किंग, कंप्यूटर नेटवर्क। इंटरनेट इज ए कलेक्शन ऑफ कंप्यूटर थ्रू आउट द वर्ल्ड विच आर मोस्टली कनेक्टेड यूजिंग टेलीफोन लाइन फॉर द पर्पज ऑफ शेयरिंग इंफॉर्मेशन। इंटरनेट कंप्यूटर्स का कलेक्शंस है जिसमें टेलीफोन लाइन की मदद से हम किसी भी इंफॉर्मेशन को शेयर कर सकते हैं। इन द अर्ली डेज मोस्ट पीपल जस्ट आर द इंटरनेट टू सर्च फॉर इंफॉर्मेशन। आज की डेट में अधिकतर लोग इंटरनेट का यूज किसी भी इंफॉर्मेशन को सर्च करने के लिए करते हैं। एडवांटेज, कंप्यूटर नेटवर्क अलाउज टू शेयर हार्डवेयर डिवाइस। कंप्यूटर नेटवर्क की मदद से हम किसी भी हार्डवेयर डिवाइस में किसी भी इंफॉर्मेशन को शेयर कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, वी कैन प्रिंट फ्रॉम मल्टीपल कंप्यूटर्स बाई ए सिंगल प्रिंटर। इंटरनेट की मदद से हम एक कंप्यूटर से ही डिफरेंट कंप्यूटर्स में प्रिंटर निकाल सकते हैं। अगर हमने एक कंप्यूटर में फाइल सेव करिए, डिफरेंट कंप्यूटर्स में हम प्रिंटर निकाल सकते हैं प्रिंटर की मदद से। इट इज ऑल्सो शेयरिंग ऑफ फाइल्स एंड फोल्डर फ्रॉम वन कंप्यूटर टू द अदर्स। एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में किसी भी फाइल और फोल्डर्स को हम शेयर भी कर सकते हैं इंटरनेट की हेल्प से। हिस्ट्री ऑफ इंटरनेट। इंटरनेट वॉज डेवलप इन USA एंड यूज बाय द डिफेंस डिपार्टमेंट। इंटरनेट जो डेवलप हुआ था उसका विकास USA में हुआ था, जिसको डिफेंस डिपार्टमेंट ने बनाया था। दिस नेटवर्क वॉज नेम्ड एज अर्पानेट विच वॉज स्टेबलाइज इन 1969। ये जो नेटवर्क बनाया गया था इसका नाम अर्पानेट रखा गया और जिसको 1969 में स्टेबलाइज किया गया। इसके अर्पानेट की फुल फॉर्म में एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क। इंटरनेट हाउएवर कम इन यूज मोर वाइडली इन द 1990। इंटरनेट का मोस्टली यूज 1990 से स्टार्ट हुआ है। इंटरनेट, इंटरनेट इज ए नेटवर्क ऑफ मिलियंस ऑफ कंप्यूटर। इंटरनेट हमारे मिलियंस ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क का कॉम्बिनेशन है। नेटवर्क मीन्स इज ए ग्रुप ऑफ इंटरकनेक्टेड कंप्यूटर सो दैट दे कैन कम्युनिकेट विद ईच अदर। नेटवर्क की मदद से, क्योंकि इसमें नेटवर्क में बहुत सारे कंप्यूटर एक साथ जुड़े हुए रहते हैं, इंटरनेट की मदद से हम कम्युनिकेशंस कर सकते हैं एक पर्सन से दूसरे पर्सन में को। ए नेटवर्क ऑफ कंप्यूटर में कंसिस्ट ऑफ टू और मोर कंप्यूटर। एक नेटवर्क में दो या दो से ज़्यादा कंप्यूटर आपस में जुड़े हुए रहते हैं। यूज ऑफ इंटरनेट, वी कैन गेट एनी इंफॉर्मेशन ऑन एनी टॉपिक। इंटरनेट की मदद से किसी भी टॉपिक की इंफॉर्मेशन हम सर्च कर सकते हैं। वी कैन इंटरचेंज आवर आइडियाज विद अदर पीपल। इंटरनेट की मदद से हम दूसरे लोगों में कोई भी अपना आइडियाज इंटरचेंज कर सकते हैं। वी कैन मेक कॉन्टैक्ट विद एनी वन हु इज लिंक्ड विद इंटरनेट। इंटरनेट की मदद से हम किसी से भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। वी कैन एक्सचेंज लेटर, फिगर्स, डायग्राम एंड म्यूजिक। कोई भी हमारा लेटर हो, फिगर्स हो, डायग्राम हो, म्यूजिक हो, उसका हम एक्सचेंज भी कर सकते हैं दूसरे पर्सन से। वी कैन मीट पीपल अराउंड द वर्ल्ड इन फ्यू सेकेंड। किसी से हम मीटिंग भी कर सकते हैं विद इन फ्यू मिनट सेकेंड्स में। वी कैन गेट बुक्स, न्यूज़पेपर, मैगजीन एक्सेट्रा। इंटरनेट की मदद से हम बुक्स, न्यूज़पेपर, मैगजीन्स भी यूज कर सकते हैं। वी कैन पब्लिश रिसर्च इन्फॉर्मेशन ऑफ एनी टॉपिक। किसी भी टॉपिक से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन हम पब्लिश भी कर सकते हैं। वी कैन डाउनलोड फ्री सॉफ्टवेयर, गेम, म्यूजिक, मूवी एक्सेट्रा। इंटरनेट के हेल्प से हम कोई भी सॉफ्टवेयर, गेम्स, म्यूजिक डाउनलोड कर सकते हैं। बेसिक रिक्वायरमेंट फॉर एन इंटरनेट कनेक्शन। इंटरनेट कनेक्शन के लिए बेसिक रिक्वायरमेंट्स हमारी एक कंप्यूटर, मॉडम, टेलीफोन कनेक्शन, एक ब्राउजर सॉफ्टवेयर एंड इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। इंटरनेट कनेक्शंस के लिए हमें कंप्यूटर की जरूरत होती है, मॉडम की, एक टेलीफोन कनेक्शंस की और एक ब्राउजर सॉफ्टवेयर की किसी भी, और एक इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर जिससे हम इंटरनेट ले रहे हैं वो हमारा इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर कहलाता है। इंटरनेट टर्मिनोलॉजी, वर्ल्ड वाइड वेब, वेब पेज, वेबसाइट, वेब ब्राउजर, होम पेज, हाइपरलिंक्स। वर्ल्ड वाइड वेब, www, वर्ल्ड वाइड वेब इज द लार्जेस्ट कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन ऑन द इंटरनेट। इंटरनेट में लार्जेस्ट कलेक्शन, किसी भी इंफॉर्मेशन का लार्जेस्ट कलेक्शन वर्ल्ड वाइड वेब होता है। वर्ल्ड वाइड वेब की मदद से हम किसी भी इंफॉर्मेशन को इजीली सर्च कर सकते हैं। इट कंटेन्स मिलियंस ऑफ वेबसाइट दैट प्रोवाइड इंफॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ टेक्स्ट, एनिमेशन, पिक्चर्स एंड वीडियोज। वर्ल्ड वाइड वेब में मिलियंस ऑफ वेबसाइट प्रोवाइड्स हैं जिसमें जो इंफॉर्मेशन होती है वो टेक्स्ट, एनिमेशन, पिक्चर एंड वीडियो की फॉर्म्स में होती है। वर्ल्ड वाइड वेब इज पॉपुलर नाउ एज
द वेब और डब्ल्यू थ्री। वर्ल्ड वाइड वेब में तीन बार डब्ल्यू आ रहा है, वर्ल्ड में डब्ल्यू, वाइड में डब्ल्यू और वेब में भी डब्ल्यू, इसलिए इसको हम डब्ल्यू थ्री के नाम से या फिर वेब के नाम से भी जानते हैं। वेबसाइट, ए वेबसाइट इज ए कलेक्शन ऑफ रिलेटेड वेब पेज दैट प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन अबाउट मैनी सच एज पर्सन, बिजनेस, ऑर्गेनाइजेशन, एजुकेशनल एंड गेम स्टोर। एक वेबसाइट उससे ही सिमिलर पेज से रिलेटेड वेब पेज का कलेक्शन होता है जिसमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड्स होती है किसी पर्सन की, बिजनेस की, ऑर्गेनाइजेशन की, एजुकेशन की या फिर गेम स्टोर्स की। ए वेबसाइट इज ए लाइक ए बुक, एक वेबसाइट एक बुक के जैसी होती है डेट कंटेंट्स मैनी वेब पेज, जिसमें मैनी वेब पेजेस होते हैं, जैसे एक बुक्स में हमारे बहुत सारे पेजेस होते हैं, इसलिए एक वेबसाइट में भी बुक की तरह होती है जिसमें मैनी पेजेस होते हैं। वेब क्लाइंट, ए वेब क्लाइंट रेफर टू द कंप्यूटर विच आर द एक्सेसिंग द वर्ल्ड वाइड वेब बाय यूजिंग द वेब ब्राउजर द यूजर मशीन। एक वेब क्लाइंट उन कंप्यूटर को संदर्भित करता है जो यूजर की मशीन वेब ब्राउजर का उपयोग करके वर्ल्ड वाइड वेब तक पहुंचाते हैं। वेब सर्वर, ए वेब सर्वर इज ए कंप्यूटर विच रिस्पॉन्ड्स टू द रिक्वेस्ट फ्रॉम द क्लाइंट कंप्यूटर एंड प्रोसेस देम। वेब सर्वर रन ऑन सर्वर सॉफ्टवेयर, एक वेब सर्वर एक कंप्यूटर है जो क्लाइंट कंप्यूटर से अनुरोध का जवाब देता है और उन्हें संसाधित करता है। वेब सर्वर सर्वर सॉफ्टवेयर पर चलते हैं। वेब ब्राउजर, ए वेब ब्राउजर इज ए सॉफ्टवेयर दैट लेट्स यू एक्सेस द पेज ऑन द वर्ल्ड वाइड वेब। वेब ब्राउजर एक सॉफ्टवेयर है जो किसी भी इंटरनेट में किसी भी चीज को ओपन करने के लिए वर्ल्ड वाइड वेब में यूज होता है। द मोस्ट कॉमनली यूज वेब ब्राउजर्स आर माइक्रोसॉफ्ट इंटरनेट एक्सप्लोरर, मोज़िला फायरफॉक्स, गूगल क्रोम, एप्पल सफारी एक्सेट्रा। जो मोस्टली कॉमनली वेब ब्राउजर ज़्यादातर हम यूज करते हैं उसमें माइक्रोसॉफ्ट इंटरनेट एक्सप्लोरर, मोज़िला फायरफॉक्स, गूगल क्रोम और एप्पल सफारी है। वेब ब्राउजर, ये हमारे पॉपुलर वेब ब्राउजर्स हैं ओपेरा, गूगल क्रोम, सफारी, मोज़िला फायरफॉक्स, इंटरनेट एक्सप्लोरर और माइक्रोसॉफ्ट एडज। वेब पेज, ए वेब पेज इज द बेसिक यूनिट ऑफ ए वेबसाइट। वेब पेज किसी भी वेबसाइट की बेसिक यूनिट होती है। इट कैन बी एन आर्टिकल्स, एन ऑर्डिनरी पेज और ए सिंगल पैराग्राफ। किसी भी वेब पेज में कोई एक आर्टिकल्स, कोई एक पेज या फिर कोई एक पैराग्राफ भी हो सकता है। इट इज यूजुअली कॉम्बिनेशन ऑफ टेक्स्ट एंड ग्राफिक। किसी भी वेब पेज में कोई टेक्स्ट या ग्राफिक्स भी हो सकता कॉम्बिनेशन होता है। HTML, HTML is a markup language for describing web document, web page. HTML एक markup language है जो web document को describe करती है। HTML stand for hypertext markup language. HTML की full form hypertext markup language है। ये markup language is a set of markup tags. ये markup language markup tags से set होती है। HTML document are describing by HTML tag. HTML document HTML tags से described होते हैं। Each HTML tag describe different document contents. Each HTML tags में अलग-अलग तरह के documents contents describe होते हैं। DHTML, Dynamic HTML allows a web page to have dynamic contents. Dynamic HTML web page में dynamic contents को allow करता है, which allow the user to dynamically change web page contents. जो web page का contents होता है, उसको dynamically changes करता है DHTML. Home page, this is the web page that your browser uses when it starts. जब भी हम कोई browser में website start करते हैं, उसको जो main page होता है, वो web होम पेज कहलाता है। इट रेफर्स टू द मेन वेब पेज, ये किसी भी वेबसाइट का मेन पेज होता है। ऑफ ए वेबसाइट डिस्प्लेन व्हेन इट इज ओपन, जब भी हम किसी वेबसाइट को ओपन करते हैं जो फर्स्ट पेज होता है वो हमारा होम पेज कहलाता है। ए वेबसाइट इज ए कलेक्शन ऑफ रिलेटेड वेब पेज दैट प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन अबाउट मैनी सच एज पर्सन, बिजनेस, ऑर्गेनाइजेशन, एजुकेशन एंड गेम इंस्टीट्यूट। एक वेबसाइट डिफरेंट तरीके के पेजेस का कलेक्शन होता है सिमिलर टॉपिक्स के। इसमें मैनी टाइप्स के जैसे पर्सन, बिजनेस, ऑर्गेनाइजर, एजुकेशन एंड गेम इंस्टीट्यूट डिफरेंट तरह की वेबसाइट्स होती हैं। एक वेबसाइट इज ए लाइक ए बुक दैट कंटेंस मैनी वेब पेज, एक वेबसाइट एक बुक के जैसी होती है जिसमें उससे रिलेटेड डिफरेंट तरह के वेब पेजेस कनेक्ट कंटेंट्स रहते हैं। हाइपरलिंक्स, हाइपरलिंक्स आर आल्सो कॉल्ड होटलिंक। हाइपरलिंक्स को हम होटलिंक भी कहते हैं।
These links provide a connection between web pages that allow for easy access to the other web page. हाइपरलिंकिंग की मदद से हम एक पेज लिंक्स पर क्लिक करते हैं तो उसी लिंक से रिलेटेड हमें डिफरेंट टाइप के पेजेस हमारे ओपन हो जाते हैं. सर्चिंग इज वन ऑफ द मोस्ट यूज्ड एक्शन ऑन द इंटरनेट. किसी भी इंटरनेट पर कोई भी चीज़ को सर्च करना सर्च एक इम्पॉर्टेंट एक्शन है. सर्च इंजन इज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ सर्चिंग आर वेरी पॉपुलर एंड फ्रिक्वेंटली यूज्ड वेबसाइट. किसी भी वेबसाइट को सर्च करने के लिए हमें सर्च इंजन की आवश्यकता होती है. दिस इज द रीजन वे एवरी ऑर्डिनरी यूजर द इंटरनेट मस्ट हैव गुड नॉलेज अबाउट सर्च इंजन एंड सर्चिंग. जब भी हम किसी नेट पर कोई भी चीज़ सर्च करते हैं सर्च इंजन की मदद से तो हमारी नॉलेज भी इंक्रीमेंट होती है. मोस्ट पॉपुलर सर्च इंजन सम ऑफ द कॉमन सर्च इंजन आर www.google.com, www.yahoo.com, www.bing.com, www.ask.com etc. Google, Yahoo, Bing, Ask ये हमारे पॉपुलर सर्च इंजन है. ऑनलाइन एंड ऑफलाइन. ऑनलाइन ऑनलाइन द टर्म ऑनलाइन इज कॉमनली रेफर्स टू एज कनेक्टेड टू द वर्ल्ड वाइड वेब द इंटरनेट. जब भी हम कोई इंटरनेट ओपन करके कोई भी वर्क करते हैं वर्ल्ड वाइड वेब पे वो ऑनलाइन वर्क कहलाता है. ऑफलाइन ऑफलाइन रेफर्स टू द एक्शन परफॉर्म व्हेन द यूजर इज नॉट कनेक्टेड टू द इंटरनेट. जब भी कोई यूजर इंटरनेट को कनेक्ट किए बिना कोई भी वर्क करता है कंप्यूटर पर तो वो ऑफलाइन वर्क कहलाता है. यूनिफॉर्म रिसर्च लोकेटर URL. It is a global address of document and other resources on the World Wide Web. URL किसी भी वेबसाइट का एक यूनिक एड्रेस होता है. फॉर एग्जाम्पल www.google.com. Domain name. The domain name is the unique name that identifies an internet site. किसी भी internet site पर किसी भी साइट को आइडेंटिफाई करने के लिए जो नेम होता है एड्रेस होता है वो डोमेन नेम कहलाता है. डोमेन नेम आर यूज्ड इन URL टू आइडेंटिफाई पर्टिकुलर वेब पेज. डोमेन नेम किसी भी वेब पेज को पर्टिकुलर आइडेंटिफाई करने के लिए यूज होता है. एग्जांपल URL http://camel-delhi.com/index.html. जो एक एड्रेस दिया गया है इस एड्रेस में जो हमारा camel-delhi.com है ये हमारा एक डोमेन नेम है. आईपी एड्रेस. आईपी एड्रेस इज ए यूनिक न्यूमेरिक आइडेंटिफायर यूज्ड टू स्पेसिफाई ए कंप्यूटर एंड नेटवर्क. आईपी एड्रेस किसी भी कंप्यूटर और नेटवर्क को निर्देशित करने के लिए उपयोग में किए जाने वाला एक न्यूमेरिक पहचान है. ईमेल. ईमेल स्टैंड फॉर इलेक्ट्रॉनिक मेल. ईमेल की फुल फॉर्म इलेक्ट्रॉनिक मेल है. इट इज़ वन ऑफ द फास्टेस्ट मोड ऑफ कम्युनिकेशन टूडे. आज की डेट में कम्युनिकेशन का फास्टेस्ट मोड ईमेल्स है. ईमेल इज ए मेथड ऑफ कंपोजिंग. ईमेल एक मेथड है कंपोजिंग सेंडिंग रिसीविंग एंड स्टोरिंग मैसेज ओवर द इंटरनेट. इंटरनेट में किसी भी मैसेज को सेंड करने के लिए रिसीव करने के लिए कंपोजिंग स्टोर करने के लिए ईमेल एक मेथड है. ईमेल अकाउंट. टू यूज ईमेल यू रिक्वायर एन ईमेल अकाउंट. अगर हम ईमेल यूज़ कर रहे हैं तो उसके लिए हमें एक ईमेल अकाउंट की नीड्स होती है. फॉर क्रिएटिंग एन ईमेल यू हैव टू साइन अप. अगर हमारा ईमेल अकाउंट पहले से ही क्रिएट है तो हम उसको साइन अप करते हैं. एन ईमेल अकाउंट कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट सेपरेट बाय @ सिंबल्स. ईमेल अकाउंट के टू पार्ट्स होते हैं जो दोनों पार्ट्स आपस में @ सिंबल्स के बीच से सेपरेट रहते हैं. ईमेल अकाउंट एग्जाम्पल vijaykumar@gmail.com. इसके दो पार्ट्स हैं हमारे. विजय कुमार यूजर्स का नेम है और @gmail.com जो है ये हमारा डोमेन नेम कहलाता है. नेम इज द नेम ऑफ ए पर्सन और द ईमेल अकाउंट होल्डर एंड डोमेन नेम इज द लोकेशन ऑफ द यूजर अकाउंट ऑन द इंटरनेट. ईमेल्स अकाउंट के दो पार्ट्स होते हैं एक यूजर नेम और एक हमारा डोमेन नेम. यूजर नेम जो जिस पर्सन ने अकाउंट बनाया है उसका नेम अकाउंट होल्डर का नेम होता है और डोमेन नेम जिस लोकेशन में इंटरनेट में हम अकाउंट बना रहे हैं उसका नेम होता है. इट इज़ पॉसिबल टू सेंड मैसेज टू एनीवन अराउंड द वर्ल्ड. इंटरनेट ईमेल की मदद से हम किसी भी मैसेज को पूरे वर्ल्ड में कहीं भी सेंड कर सकते हैं. इफ़ यू नाउ द पर्सन ईमेल एड्रेस. इसके लिए हमें ईमेल एड्रेस की आवश्यकता होती है पर्सन के जिसको हम ईमेल सेंड कर रहे हैं कोई भी मैसेज.
Email address. An email address identify a location on the internet where an email can be sent. जब भी हम किसी को कोई भी ईमेल सेंड करते हैं तो उसके लिए जो एक पर्टिकुलर एड्रेस होता है किसी भी लोकेशन का वो ईमेल एड्रेस कहलाता है. एन ईमेल एड्रेस कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट्स. ईमेल एड्रेस के दो पार्ट्स होते हैं, सेपरेट बाय एट द रेट सिंबल. दोनों पार्ट्स एट द रेट सिंबल से सेपरेट रहते हैं. एन ईमेल एड्रेस कैन नॉट कंटेन स्पेस. ईमेल एड्रेस में कोई भी स्पेस नहीं दिया जाता है. एग्जाम्पल के ipsatheratemail.com. जैसे इसमें दो पार्ट्स हैं, फर्स्ट हमारा के आई पी एस है, सेकेंड हमारा email.com है. बीच में दोनों को कंबाइन किया गया है एट द रेट सिंबल से. डाउनलोडिंग. डाउनलोडिंग मीन्स टू कॉपी सम थिंग्स फ्रॉम अदर रिमोट मशीन कनेक्टेड थ्रू सम नेटवर्क और इंटरनेट टू द क्लाइंट मशीन यूजर मशीन. जब भी हम कोई भी रिमोट मशीन से नेटवर्क और इंटरनेट की मदद से कोई भी वर्क कॉपी करते हैं तो वो हमारा डाउनलोडिंग कहलाता है. अपलोडिंग. अपलोडिंग मीन्स टू कॉपी सम फाइल और डाटा फ्रॉम द क्लाइंट मशीन टू द रिमोट मशीन. जब भी हम कोई भी चीज क्लाइंट मशीन से रिमोट मशीन में अपलोड करते हैं तो वो हमारा अपलोडिंग कहलाता है. ब्लॉग. ब्लॉग आर सिमिलर टू एन ऑनलाइन पर्सनल डायरी एंड सिंपल टू यूज. ब्लॉग एक सिमिलर ऑनलाइन पर्सनल डायरी है जो यूज करने में सिंपल है. वी कैन यूज ए ब्लॉग टू कन्वे मैसेज अबाउट इवेंट्स, न्यूज, रिव्यू एक्सेट्रा. ब्लॉग की मदद से हम कोई भी मैसेज कन्वे कर सकते हैं, चाहे वो न्यूज का, इवेंट्स का, कोई रिव्यू हो. ब्लॉग वेबसाइट. कुछ फेमस ब्लॉग वेबसाइट है wordpress.com, wix.com, squarespace.com, blogger.com. ब्लॉगिंग. ए ब्लॉगर इज ए समवन हु रन्स एंड कंट्रोल ए ब्लॉग. किसी भी ब्लॉग को कंट्रोल और रन करने के लिए हम ब्लॉगर का यूज करते हैं. ही और शी शेयर हिज और हर ओपिनियन ऑन डिफरेंट टॉपिक फॉर ए टारगेट ऑडियंस. ब्लॉगर की मदद से हम कोई भी अपना ओपिनियन शेयर कर सकते हैं ऑडियंस को. न्यूज ग्रुप. न्यूज ग्रुप रेफर टू डिफरेंट प्लेस ऑन द इंटरनेट वेयर पीपल आर अलाउड टू एक्सचेंज देयर ओपिनियन एंड थ्रो ऑन द डिफरेंट टॉपिक्स ऑफ इंटरेस्ट. न्यूज ग्रुप की मदद से हम इंटरनेट के माध्यम से किसी भी इंफॉर्मेशन को, किसी भी न्यूज को, किसी भी टॉपिक की न्यूज को ईजिली देख सकते हैं. वी कैन सेंड एंड रिसीव मैसेज. कोई मैसेज रिसीव भी कर सकते हैं, सेंड भी कर सकते हैं. पोस्ट आवर क्वेश्चन एंड रिप्लाई टू क्वेश्चन पोस्ट थ्रू दीज न्यूज ग्रुप. कोई भी अपना क्वेश्चन इसमें पोस्ट भी कर सकते हैं और रिप्लाई भी कर सकते हैं.